नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी, शिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये उसी ज्योतिष सूत्र का पाठ नंबर 13 है। तो जैसे कि मैं आपको पीछे सूत्र बता रहा हूँ कुछ स्पेशल, जिससे कि आप प्रोडक्शन करने में आपको बहुत आसानी होती है, इसमें कुछ आगे के बताता हूँ आपको बात। आज जो पीछे तक पढ़ा दिया है उनको देखने के लिए आप पीछे वाले वीडियो में जो पार्ट 1 से लेकर 12 तक हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। पार्ट 13 में मैं आपको अलग से कोई चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बहुत सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको किसी कुंडली में पिता का विचार करना हो, या माता का विचार करना हो, या भाई का विचार करना हो, आप अपनी कुंडली से ही अपने पिता की कुंडली, अपने भाई की कुंडली, अपनी माता की कुंडली, अपनी सिस्टर की कुंडली, या अपने बेटे की कुंडली, सब कुछ आप अपनी कुंडली से ही देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल प्रिंसिपल होता है कि अगर आपकी कुंडली, आपको अपनी कुंडली से पिता का विचार करना है, तो सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पे सूर्य बैठा है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, उसको लग्न बना लीजिए। जहाँ सूर्य बैठा है उसको लग्न बना लीजिए, फिर सिंपली पिता के लिए कुंडली वो बन गई, वो कुंडली पिता की कुंडली आप बांध सकते हैं। दूसरा भाव फिर पिता का धन होगा, तीसरा भाव फिर पिता का पराक्रम होगा, चौथा भाव पिता का सुख होगा, पांचवा भाव में आप पिता के संतान यानी आप खुद हो जाएंगे, छठा भाव पिता के रोग ऋण को समझाएगा। इसी प्रकार से इसको बना लिया। इसी प्रकार से अगर आपने अपने माता की कुंडली देखनी है तो चंद्रमा को लग्न बना लीजिए, जहाँ चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, उसको लग्न बना लेंगे तो फिर माता का सुख, माता का धन, माता का पराक्रम ऐसे सब आगे चलता चला जाएगा। जब भाई का देखना हो आपने तो मंगल को बना लीजिए। जब मित्र का या किसी मामा का देखना हो आपने अपने, तो बुध को बना लीजिए। आपकी संतान को देखना है तो गुरु को बना लीजिए, अपनी से जहाँ गुरु बैठा है उसको लग्न बना लीजिए। पत्नी का देखना है तो शुक्र को बना लीजिए। पत्नी भी हो या स्त्री हो, उसका अगर देखना चाहते हैं आप तो उसके लिए बना सकते हैं आप। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर शादी हुई है तो पत्नी काउंट के लिए काउंट कीजिए शुक्र से। अगर शादी नहीं हुई है, आपके अफेयर्स चल रहे हैं, तो उसके इसमें शुक्र को वो मानिए, स्त्री मानिए, और शुक्र को लगन बनाइए, फिर देखिए आपको उसकी कुंडली मिल जाएगी। तो ये सिंपल प्रिंसिपल होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आपने नौकरों की कुंडली देखनी है, अपने सेवक की कुंडली आपने देखनी है, अपने मातहत की कुंडली आपने देखनी है, तो शनि को लगन बना लीजिए जहाँ शनि बैठा है। इस तरीके से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, एक ही उंगली से सारी कुंडलियाँ देख सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा चीज़ ये कि किसी भी भाव का आपने जब विचार करना हो, जैसे कोई भाव आपने, ये सपोज कीजिए चौथा भाव देखना है, ये पांचवा भाव देखना है, तो भाव देखते वक्त कुंडली में क्या चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहले आपको देखना होता है भाव। भाव में भाव, भावेश और कारक, ये तीन चीज़ होती हैं। कारक मैंने आपको पीछे बताए भी हैं, स्थिर कारक भी मैंने आपको बताए हैं पीछे वीडियो में, और चार कारक भी मैंने आपको बताए हैं, वो सब मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। किसी भी भाव के रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए आपको भाव देखना होगा, भावेश देखना होगा, भाव का स्वामी देखना होगा, और कारक देखना होगा। तीन चीज़ आप देखिए, और तीन चीज़ से आप बता सकते हैं कि इस भाव के परिणाम आपको कैसे मिलेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपको चौथे भाव का परिणाम देखना है, चौथे भाव का परिणाम देखना, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि भाव में जो ग्रह हैं, भाव खाली है या उसमें ग्रह बैठे हैं। अब भाव में मान लिया ग्रह बैठे हैं, तो ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, वो आप देखना है। तो भाव के लिए आपने देखा कि ग्रह, भाव में आपने देखा कि शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। शुभ हैं तो पॉजिटिव, अशुभ हैं तो नेगेटिव। अब आपने देखा कि भाव पे शुभ अशुभ का मतलब हुआ नैसर्गिक शुभ अशुभ, जैसे शनि मंगल सूर्य ये नैसर्गिक अशुभ होते हैं, गुरु शुक्र चंद्र और बुध ये नैसर्गिक शुभ होते हैं, कंडीशनली शुक्र चंद्रमा और बुध तो कंडीशनली होते हैं। अब इनको आपने देखा कि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपने कहा कि हाँ अच्छा है, भाव में आपने प्लस दे दिया, अगर यहाँ पे अशुभ बैठे हैं तो आपने यहाँ माइनस दे दिया। अब आप देखते हैं कि भाव पे दृष्टि किनकी है। अगर दृष्टि अशुभ ग्रहों की है, अशुभ ग्रह मीन्स आपका वही सूर्य मंगल शनि राहु, राहु की दृष्टि चलो नहीं मानते बट सूर्य मंगल शनि यू कैन टेक वेरी इजीली, तो अगर अशुभ भावों की दृष्टि है, अशुभ की दृष्टि है अशुभ ग्रहों की, तो माइनस दे दिया, और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो प्लस दे दिया। फिर आपको देखना है कि भाव का, ये तो आपने भाव देखा कि भाव आपका कहीं पाप कतरी या शुभ कतरी में तो नहीं हो। जैसे चौथा भाव आप देख रहे हैं, अगर इसकी एक और मंगल बैठा हो, दूसरी और राहु बैठा हो,
तो वो तो बिल्कुल इस भाव की ऐसी तैसी कर देंगे ना। ये कर्तरी जो योग होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कर्तरी से फल बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है किसी भाव का। अगर उसके दोनों साइड अशुभ ग्रह बैठे हों तो ड्रास्टिकली फल रिड्यूस होता है। सिंपल बात है, अगर आप भी कहीं रह रहे हों, आप बहुत शरीफ हैं और आपके दोनों साइड वाले मकानों में अगर डॉन्स वगैरह रह रहे हों, माफिया रह रहे हों, तो आपके लिए मतलब बहुत कष्ट का समय हो जाता है। आप मतलब ठीक से हर चीज़ को काम नहीं कर पाते, ठीक से सोच नहीं पाते हर चीज़ को, क्योंकि हमेशा आपके मन में एक चिंता, एक बहस ताए रखता है। तो इसी प्रकार से ग्रहों के भी मैंने बताया कि जो भी ग्रह जो आप अपने जीवन में साइकोलॉजी समझते हैं वो ग्रहों पर लगाइए, वही सब चीज़ें। तो अगर आपके भाव के दोनों साइड में अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो अशुभ कत्री कहलाएगा, अशुभ कत्री कहलाएगा तो माइनस दे देंगे। और अगर भाव के दोनों ओर शुभ बैठे हों, अगर आपके घर के पास में इधर भी बहुत अच्छे इंसान हो, इधर भी बहुत धार्मिक इंसान हो, तो आपकी भी धर्म की ओर प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, तो आपके अंदर भी अच्छाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए उसे प्लस नंबर दे दीजिए। तो भाव को आपने देखा कि भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ हैं या अशुभ, फिर आपने देखा कि भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, फिर आपने देखा कि भाव शुभ कत्री में है या पाप कत्री में है, तो भाव आपने चेक कर लिया, वहाँ पर आपने सारे प्लस काउंट कर दिए। उसके बाद आप भावेश देखते हैं, भावेश देखिए, भावेश में क्या आपने देखना है कि चौथे भाव का स्वामी चंद्र कहाँ गया है, माल्य चंद्र यहाँ बैठा है। तो देखिए कौन से भाव में गया है, लगन से कौन से भाव में गया है, लगन से नाइन्थ हाउस में गया है, तो बड़ा अच्छा है, भावेश लगन से नाइन्थ में गया है तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा फिर देखिए भावेश अपने भाव से कौन से में गया है, वो भी देखना है आपने, उसका भी रिजल्ट आप माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ से गया है 1 2 3 4 5 6, लगन से तो 9 गया है, नो डाउट रिजल्ट्स के बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन अपने से सटा गया है। तो जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है कि भावेश अपने से सटे 8वें 12वें में जाएं तो वहाँ भी उस भाव की हानि करते हैं। तो सीधी बात है, जो 100 रुपये आपको मिलने थे, यस सुख आपको 100 रुपये के बराबर मिलना था, वो सुख आपको अब 80 रुपये बराबर रह गया, क्योंकि भावेश अपने से सटे में चला गया, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो वो भी आपने ध्यान रखना है भावेश देखते वक्त। फिर ये देखना है कि भावेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, माली साथ में इसके मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, पाप ग्रह बैठे हों, तो ये पीड़ित हो जाएगा भावेश, तो इसको नेगेटिव माइनस काउंट करेंगे इसको। अगर इसी भावेश के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। भावेश के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी देखना पड़ेगा आपको। अगर मंगल शनि सूर्य की दृष्टि है तो भावेश कमज़ोर हो जाएगा, अगर गुरु शुक्र की दृष्टि है या चंद्रमा क्षीण चंद्रमा ना हो, पूर्णमासी का चंद्रमा उसकी दृष्टि है, या बुध अकेले दृष्टि है, तो वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भावेश कहाँ गया नंबर एक, लगन से कहाँ गया नंबर दो, अपने से कहाँ गया ये देखना है, भावेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं अशुभ या शुभ ये चेक करना है, भावेश के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है अशुभ या शुभ वो आपने चेक करना है। उसके बाद आपने चेक कर लिया, फिर ये देखेंगे कि भावेश आपका कौन से शुभ कत्री या पाप कत्री में तो नहीं। आप जैसे चंद्रमा है यहाँ, सपोज करो यहाँ ये कोई नहीं बैठा, लेकिन मान लिया मंगल शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ मंगल बैठा है और यहाँ शनि बैठा है, तो चंद्रमा के दोनों ओर में पाप ग्रह हो गए, तो ये ज़्यादा हानि करेगा इसका, चंद्रमा का हानि करेगा। यानी देखिए दो चीज़ की हानि करेगा, ये दो ग्रह इस भाव के इधर बैठे हैं, इस भाव के इधर यानी नवे भाव के इधर और नवे भाव के इधर दो अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो नवे भाव की तो हानि होगी होगी, भाग्य की तो हानि होगी होगी, लेकिन साथ में जो ग्रह इसके अंदर बैठा है वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उसकी भी हानि होगी। अब ग्रह जो बैठा है यहाँ चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, तो चौथे भाव की हानि भी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि केवल भाव की हानि नहीं, भाव में बैठे ग्रह की भी हानि होगी, जो ग्रह है उसका कौन से भाव हैं उनकी भी हानि वो करेगा। तो ये आपने चेक करना है। जब आपने ये चेक कर लिया तो आपने एक नेट रिजल्ट निकाल दिया कि आपका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। उसके बाद आप आएंगे कारक पे। हर भाव के अलग अलग कारक होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। चौथे भाव का कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है। तो वही सिंपल प्रिंसिपल जो आपने भावेश पे लगाया है कि भावेश कहाँ गया है, किस ग्रहों के साथ बैठा है, कैसे ग्रहों से ध्रष्ट है, पाप कतरी में तो नहीं है, वही प्रिंसिपल आप कारक के ऊपर भी लगाइए, चंद्रमा के ऊपर। यहाँ तो बाई चांस कारक चंद्रमा है, कोई और कारक हो सकता है, तो उसके ऊपर आप प्रिंसिपल लगा के देखिए।
अगर वो भी पीड़ित आता है, वो भी पाप कतरी में है, वो भी आपका लगन से अच्छे भावों में नहीं गया और अशुभ ग्रहों के साथ है या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, तो उसका मतलब आपका कारक भी पीड़ित हो गया। तो भाव, भावेश और कारक तीनों चीज़ को आपको देखना है। तीनों की 33% की पावर होती है। आपका कारक अच्छा है, कारक अच्छा है, लेकिन भावेश गड़बड़ है, तो यहाँ तो नंबर जीरो हो गए, लेकिन यहाँ 33 मिल गए। भाव भी ठीक ठाक है, तो यहाँ भी आपको 33 नंबर मिल गए। तो आपको 100 में से 66 नंबर तो मिल गए ना, तो आप मतलब काम चला जाओगे। लेकिन अगर ये तीनों ही खराब हो जाएं, भाव, भावेश, कारक, तो बंटाधार, तीनों खराब हो जाएं तो बंटाधार है, क्योंकि यहाँ भी 33 नंबर गए, यहाँ भी 33 नंबर गए, यहाँ भी 33 नंबर गए। तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि भाव, भावेश, कारक, भाव के रिजल्ट देखते हुए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी चीज़ ये होती है, लग्नेश की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि ये एक प्रिंसिपल है बना हुआ, जिसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं निर्विवाद सत्य बोलते हैं जिनको। निर्विवाद सत्य मीन्स के जैसे न्यूटन का नियम है तीन, वो न्यूटन का नियम हम लोग फॉलो करते हैं। जहाँ भी हम मानते हैं इनर्शिया, विनर्शिया, ये सब चीज़ों की, हम लोग मोमेंटम वगैरह हमको फॉलो करते हैं अपने प्रिंसिपल्स में या साइंस में, किसी भी असाइनमेंट के अंदर। वो ऐसे नियम हैं जो प्रूव्ड हैं या जो एक्सपेरिमेंटल से प्रूफ हैं। ग्रेविटेशन हमारा होता है, वो ग्रेविटेशन होता है, वो न्यूटन ने देखा फल नीचे आया तो ग्रेविटेशन था पृथ्वी के अंदर, तो इसका मतलब ग्रेविटेशन प्रूफ हुआ, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ हो, चाहे वो किसी फार्मूले से प्रूफ हुआ हो। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ सूत्र होते हैं, तो वो सूत्र भी ध्यान रखने आपको जरूरी हैं, जिनको निर्विवाद सत्य बोलते हैं। उसके अलावा सूत्र होते हैं जो आप अपने आप से लगाते हैं, उन सूत्रों में से निकालते हैं। जैसे लग्नेश अगर किसी भाव में जाएगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल अगर इस भाव में आ जाएगा, बैठ जाए, मंगल यहाँ आके बैठ जाए, तो मंगल सप्तम भाव की वृद्धि करेगा। आपको देखने में तो लग रहा है कि विवाह के भाव के अंदर आके पाप ग्रह बैठ गया, लेकिन इसका एक उल्टा भी सोचिए, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर आया है तो इस भाव की वृद्धि कर रही है। यहाँ मंगल इसको नुकसान नहीं कर रहा, मंगल यहाँ उसकी वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ होगा, अगर लग्नेश मान लिया मंगल चंद्र के साथ आ गया, यहाँ पे मंगल और चंद्र यहाँ बैठे हैं, तो क्या होगा? मंगल तो लग्नेश है, तो मैंने जो बताया आपको नियम है कि लग्नेश जिस भाव में गया हो उस भाव की वृद्धि, और जिस स्वामी के साथ बैठा हो उसके भावों की वृद्धि। तो लग्नेश यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा भाव कौन सा है? सुख, चौथा भाव, तो चौथे भाव की वृद्धि। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है या जिस भाव के स्वामी के साथ बैठता है, उन दोनों के रिजल्ट को वो इंक्रीज़ करता है। ये हमारा निर्विवाद सत्य है। तो आशा करता हूँ ये सूत्र आपको पसंद आए होंगे। आगे मैं आपको और सूत्र बताता रहूँगा, अभी तो बहुत सारे सूत्र हैं इसके अंदर ऐसे जो वो ध्यान रखने हैं, और सूत्र सारे लॉजिकल हैं, आप लॉजिक से अपने आप निकाल सकते हैं, वो मैं आपको समझाता रहूँगा बीच बीच में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।